राजधानी भोपाल में मंगलवार को डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सातवीं आर्थिक गणना का शुभारंभ विध्यांचल भवन में हुआ। ये देश का पहला डिजिटल सर्वे होगा जो कि पूर्ण रूप से मोबाइल पर एप्लीकेशन से किया जाएगा। उन्होंने बताया, सातवीं आर्थिक गणना में छोटे बड़े उद्योगों की जानकारी एकत्रित कर उनके लिए भविष्य की योजना बनाना है। पहले जहां इस तरह की गणना में 2 से 2.5 साल का समय लगता था, वहीं यह गणना 3 से 3.5 महीने में पूरी हो जाएगी। CHC के पास इनके मैन पावर उपलब्ध होते हैं, हम उसको 9 तारीख के बाद शुरू प्रारंभ कर रहे हैं, तो 15 जिले जो है वो उसमें शुरू किए जाएंगे। ये पहली बार, हमेशा पहले जो है मैनुअल तरीके से होता था। आप देखिए, कागज पे 1-2 टेबल होते थे जिनको वो हर भरते थे, अब वो ऐप पे होगा, मतलब डिजिटली जो भर के वो सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट सर्वर में चला जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो डाक और इस समय जो समय जो 1-2 महीने लगता था, वो जो है आपके 1 सेकंड में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। सर, दो साल की गणना 3.5.5 महीने में हो जाएगी जी। कैसे, क्या नहीं, अब बेसिकली वही है कि कागज में व्यक्ति भरेगा, उसको चेक करेगा, उस चीज़ को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, मतलब उसी को आप डाटा एंट्री करोगे, फिर वो डाटा एंट्री बनेगी, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करोगे। तो इस काम में जो है समय लगता था, अब ये 3.5 महीने मतलब है। 3.5 महीने का मतलब है कि सारी चीज़ें जो इकट्ठी एक साथ होंगी, और जैसे ही उसका काम होगा वो सबमिट कर देगा तो जानकारी चली जाएगी।